नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज हमारे पास एक LG 22 इंच का टीवी आया हुआ देख सकते हैं। इसका मॉडल नंबर है 22LN4055 टीवी। ये टीवी जो है बैकलाइट फॉल्ट में आया हुआ है। ये टीवी हमारे पास कुछ महीने पहले आया हुआ था, जब भी इसका बैकलाइट का इशू था तो कस्टमर पूरे पेमेंट जो है नहीं कर पा रहे थे, खर्चा ज़्यादा नहीं कर पा रहे थे, तो उस वक्त हम इसको ऑर्डिनरी बना के दिए था। इस टीवी में होता क्या, एक्चुअल में साइड में एक LED होते हैं, एक स्ट्रिप होते हैं, जो ख़राब हो जाने के बाद ये स्ट्रिप सेम साइज़ का मिल नहीं पाता है, जिस वजह से काफ़ी दिक्कत होता है। इस तरीके आप देख सकते हैं, इस तरीके की एक LED इसमें, एक स्ट्रिप इसमें लगा होता है एक साइड में, और हाई वोल्ट की होता है तो उसमें दो या तीन सीरीज भी होते हैं, उससे ये जो बैकलाइट का काम लिया जाता है। लेकिन ये सेम साइज़ का मिलता नहीं है, ऐसे कंडीशन में मुश्किल हो जाता है, तो हम ऑर्डिनरी करके दिए थे। अब जो है इसमें फाइनल काम करना, ये टीवी फिर से बंद हुआ है तो ये सेम स्ट्रिप हमारे पास अभी भी नहीं है, तो हम इसमें मॉडिफिकेशन करेंगे दोस्तों और पूरी जानकारी आपको देंगे। और अभी तक यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर ले, क्योंकि इसी तरह का नॉलेज फूड कॉन्टेंट हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं। तो हम टीवी को देखिए ओपन कर चुके हैं, इसमें पहले भी हमने काम किए थे, यहाँ देख सकते हैं इसकी सॉकेट में ख़राबी था, जो बैकलाइट की जो कनेक्टर है, इस पैनल में जो स्केलर PCB है इसी में ही बैकलाइट की सेक्शन है, यहाँ देख सकते हैं। यहाँ हमने सॉकेट को निकाल के डायरेक्ट सोल्ड करके दिए थे, फिर इसमें दिक्कत आया, एक स्ट्रिप एक सीरीज ख़राब थी तो हमने यहाँ जंपर करके एक ही सीरीज से TV चला के दिए थे, क्योंकि वो खर्चा नहीं करना चाह रहे थे उस वक्त। सो अब जो है इसमें फाइनल काम हमें करना है। इसमें जो भी प्रॉब्लम बैकलाइट की आती है वो सारे डिटेल हम आपको इस वीडियो में देंगे। इसमें देख सकते हैं बैकलाइट की सेक्शन जो है स्केलर PCB में ही है, यहाँ पर बैकलाइट के अलग से सेक्शन दिया हुआ है। यहाँ 19 वोल्ट इनपुट होता है और फिर यहाँ से बूस्ट होके फिर LED जो स्ट्रिप है उसको सप्लाई जाता है। सो अब हम ये सेक्शन पूरी ऑफ कर देंगे और नए मॉडिफिकेशन इसमें करेंगे। तो हम पहले TV को ओपन कर लेते हैं, इसकी जो बैकलाइट स्ट्रिप है उसकी कंडीशन भी देखेंगे क्या है। यहाँ पहले हम बोर्ड को हटा लेंगे यहाँ से। हमारे ग्रुप में और कमेंट बॉक्स में भी कई सारे ऐसे सवाल आते हैं, सर इस तरह की स्ट्रिप जो है वो नहीं मिल पा रहा है मार्केट में, तो हम क्या करें। तो इन सवालों का जवाब भी आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो चलिए हम पहले पैनल को निकाल लेते हैं और बैकलाइट तक पहुँचते हैं, जहाँ पर इसकी LED की स्ट्रिप लगी हुई है। यहाँ देख सकते हैं हमने ओपन कर लिया है, यहाँ कोने में सिर्फ एक स्ट्रिप लगी हुई है, ये हाई वोल्ट में काम करता है। इसमें ये जो स्ट्रिप लगा है इसमें दो सीरीज है, मेरे ख्याल से 16 बल्ब के LEDs की दो सीरीज है। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें 12 वोल्ट वाली स्ट्रिप लगाएंगे और दोनों साइड में फिक्स करेंगे, क्योंकि 12 वोल्ट वाली स्ट्रिप जो है वो एक साइड में लगाएंगे तो रोशनी नहीं हो पाएगा ज़्यादा। और इसमें जो स्ट्रिप लगा है ये हाई वोल्ट की स्ट्रिप है, लगभग 60-70 वोल्ट में ये स्ट्रिप चलता है, जिस वजह से इसमें रोशनी भी काफ़ी है, तो रोशनी एक साइड से दूसरे साइड तक पहुंच जाता है। यहाँ देख सकते हैं ये वाली, ये जो LEDs है ये काफ़ी रोशनी भी देता है। तो इस साइड में हमें जगह बनाना है, लेफ्ट साइड में भी देखिए ये वाली स्ट्रिप इसमें लगा था। इसमें दो सीरीज है, बीच में से डिवाइड है, दो सीरीज है इसमें, जिस वजह से ये काफ़ी वोल्ट भी कंज्यूम करता है और लोड भी काफ़ी है इसमें। तो ये सेम स्ट्रिप जो है हमें नहीं मिल पाया है, और जो बड़ी साइज़ की स्ट्रिप आता है उसको हम कट भी नहीं कर सकते, क्योंकि सीरीज की बल्ब यदि कम हो जाएगी तो सिर्फ वही सीरीज जलेगी, बाकी सीरीज बंद हो जाएगी, तो जिस वजह से हम कटिंग नहीं कर सकते इस तरह की स्ट्रिप को। अब जो है इसमें हमें मॉडिफिकेशन करना है, जगह बनाना है दोनों साइड में। और जो 12 वोल्ट वाली जो स्ट्रिप आता है मार्केट में आप देखे होंगे, वो वाली स्ट्रिप हम इसमें फिक्स करेंगे। ये देखिए ये वाली स्ट्रिप, इसको क्या है आप कट भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। ये तीन LEDs की एक एक सीरीज होते हैं इसमें, तो इसमें एक ही सीरीज है तीन LED की, ये पैरेलल में कनेक्शन किया हुआ है, यहाँ देख सकते हैं लकीर है, यहाँ से आप इसको तोड़ सकते हैं और फिर इसकी सीरीज बना सकते हैं, जो अपने हिसाब से इसका साइज़ मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ देखिए ऐसे करेंगे तो ये टूट जाएगा, या फिर कटर से भी काट सकते हैं, या जहाँ ये लकीर खींचा हुआ है यहाँ से आपको ये काटना होता है, बाकी ये अपने हिसाब का साइज़ आप इससे बना सकते हैं। लेकिन क्या होता है, इस LED में रोशनी कम है, ये ज़्यादातर
19 इंच के पैनल में आप लगे हुए देखे होंगे, छोटी सी ड्राइवर लगा रहता है सिंगल मॉस्फेट की, वही वाली स्ट्रिप है ये। तो ये लॉन्ग साइज़ में भी आता है, आप कट करके अपने हिसाब से बना सकते। तो हम इसको कट करेंगे, कट करके साइज़ का लेंगे और फिर इसमें फिट करेंगे। फिट करने के लिए हमें ये दो स्ट्रिप दो साइड में लगाना पड़ेगा, क्योंकि एक स्ट्रिप की रोशनी जो है आधा तक पहुँचेगा, दूसरे स्ट्रिप की रोशनी भी आधा तक आएगा। तो दोनों साइड से रोशनी जो है बराबर स्क्रीन में बनेगा। अगर आप सिंगल साइड में देंगे तो ये रोशनी नहीं दे पाएगा, एक तरफ अंधेरा हो जाएगा, एक तरफ रोशनी देगा। अब जो है इसके लिए ड्राइवर भी आपको अलग लगाना है। इसके साथ जो ड्राइवर बना था उस ड्राइवर को नहीं लगा सकते, क्योंकि ये 12 वोल्ट वाली स्ट्रिप है और जो साथ में ड्राइवर है वो लगभग 70 वोल्ट। इसमें हम ये वाले ड्राइवर यूज़ करेंगे, ये सिंगल मॉस्फेट की 12 वोल्ट वाली स्ट्रिप के लिए आता है ये ड्राइवर मार्केट में। ये उतना कॉस्टली भी नहीं है और इसमें 19 वोल्ट की सप्लाई है। इसमें और एक कन्वर्टर हम यूज़ करेंगे, जो कि 19 वोल्ट को हम 12 वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे। ये देखिए, ये जो नई स्ट्रिप है बड़ी साइज़ की आती है ये स्ट्रिप, ये वाली, ये स्ट्रिप हम साइज़ में कट करेंगे और फिर फिट करेंगे। ये देख सकते हैं बहुत लंबी साइज़ में आता है, अपने हिसाब से कट करके आप इसको लगा सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ लकीर आप इस साइड में भी देख सकते हैं, यहाँ तीन तीन एलईडी की एक एक सीरीज है इसमें। तो 9 वोल्ट 10 वोल्ट के आसपास की ये कंज्यूम करता है वोल्टेज, तो 3 × 9 होता है, तो 10 वोल्ट पे ये अच्छा खासा रोशनी जो है बनता है इसमें। तो ये दोनों साइड में हम फिक्स करेंगे, उसके लिए जगह बनाना है। एक साइड में तो जगह है ही, ऑलरेडी स्ट्रिप लगा था, लेकिन सेकेंड साइड में आप देख सकते हैं प्लास्टिक की जो ये कवर है इसमें ये खांचा है, इसको कटिंग करना है। कटिंग करके इसके हिसाब से हमें बनाना है इसको, जो 19 इंच के पैरेलल में फिट होता है उसी तरीके से हम इसमें इसको एडजस्ट करेंगे। आप देख सकते हैं हम इसको फिक्स कर चुके हैं इस साइड में, ये लेफ्ट साइड की है, यहाँ पर वो प्लास्टिक कवर बैठेगा, और इस साइड में भी हमने इसको फिट कर दिया है। यहाँ से जो मेटल की बॉडी है थोड़ा सा कट करेंगे ताकि वायर हम बाहर निकाल सकें। यहाँ से प्लास्टिक भी हमने कट कर दिया है आप देख सकते हैं, ताकि वायर जो है एलईडीज की वो हम बाहर यहाँ से निकालेंगे इस तरीके से, यहाँ से वायर बाहर आएगा। अब यहाँ हमने कटिंग कर दिया है, अब ये सही से यहाँ बैठ जाएगा। अब इसमें और एक काम जो है वो बचा है, वो आपको ध्यान रखना है, नहीं तो फिर स्ट्रिप दोनों साइड में लगा के कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसको नीचे जो रिफ्लेक्टर पेपर है इसको हम नीचे रखते हैं, और ये जो देखिए जो प्लास्टिक की शीट है ये रोशनी को फैलाता है चारों तरफ। इसमें समस्या ये है, ये तीन तरफ से ये जो कागज़ की जो एक टेप लगा हुआ है ताकि रोशनी बाहर ना निकले, तो हमें एक साइड से ये कागज़ निकालना है। अब ये फिट हो चुका है, आप इस साइड का टेप निकाल देंगे, क्योंकि ये प्लास्टिक कवर में टेप लगा हुआ रहता है रोशनी बाहर ना आए करके। हमने प्लास्टिक को भी थोड़ा कट किया कोने से ताकि ये वायर को हम निकाल सके। अब जो है एलईडी फिट हो चुका है, वायर हम बाहर निकाल चुके हैं। अब इसमें ड्राइवर और स्टेप डाउन कन्वर्टर यूज़ करना है एक, जो कि ये कन्वर्ट जो ड्राइवर है तो आप देख ही चुके होंगे, और इसमें एक स्टेप डाउन कन्वर्टर यूज़ करेंगे, जो 19 वोल्ट से हम 12 वोल्ट पे बदलेंगे, क्योंकि ये 19 वोल्ट के अडैप्टर है इसमें लगा हुआ। इसमें हम 19 वोल्ट इनपुट नहीं दे सकते ये जो ड्राइवर है, तो हम ये वाली कन्वर्टर यूज़ करेंगे। इसमें 19 वोल्ट इनपुट देंगे और 12 वोल्ट यहाँ से वेरी करके निकाल लेंगे। हम यहीं से BL1 और 19 वोल्ट सप्लाई यहीं से ले लेंगे। यहाँ एक फ्यूज़ लगा हुआ आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये ऑन ऑफ है और सारी चीज़ें यहाँ लिखा हुआ मिलेगा आपको। ये ऑन ऑफ बोले तो ये BL1 है, और यह फ्यूज़ से हम यहाँ से 19 वोल्ट ले लेंगे। यहाँ पर 19 वोल्ट इनपुट हो रहा है, ये कॉयल के थ्रू थोड़ी सी वोल्टेज बूस्ट हो रहा है, और फिर कॉयल इसकी बैकलाइट ड्राइवर के जरिए इसकी जो है बैकलाइट ग्लो कर रहा था पहले। अब इसका फंक्शन टोटली चेंज हो गया है, हमने यहाँ से अलग से ड्राइवर लगा दिया, वोल्टेज डाउन करके कन्वर्टर लगा दिया, और फिर ये सेट ओके हो चुका है। यहाँ पर BL1 की जो सिग्नल है हमने
पुराने बोर्ड से ही लिया है हमने, कोई रेजिस्टेंस वगैरह नहीं लगाया इसमें। यहाँ 12 वोल्ट हमने फिक्स कर दिए थे। अब जो है ये पता भी नहीं चलेगा, इसकी जो रोशनी है दोनों साइड से बराबर ही आएगा। और इसकी लॉन्गजीविटी भी काफ़ी अच्छा है, ये बहुत ही कम ख़राब होता है। ये जो LEDs है और जो ड्राइवर हमने लगाए, लॉन्गजीविटी भी इसकी काफ़ी अच्छा है। चलिए अब इसमें हम पिक्चर लगा कर देखते हैं, पिक्चर की कंडीशन, पिक्चर की जो रोशनी है, जो ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट है, वो सही से बना है या नहीं। थोड़ी बहुत तो इशू रहेगा, क्योंकि जितना ओरिजिनली ड्राइवर और बैकलाइट में जो रोशनी दे रहा था उतना तो नहीं हो पाएगा, लेकिन दोनों साइड से स्ट्रिप देने के वजह से रोशनी जितना आएगा वो पता भी नहीं चलेगा कि हमने इसमें मॉडिफिकेशन किए हैं। तो चलिए वीडियो देख लेते हैं। यहाँ देखिए वीडियो की क्वालिटी कोई दिक्कत नहीं है, और पता भी नहीं चल रहा है कि हमने इसमें कोई मॉडिफिकेशन किए हैं या फिर ओरिजिनली बैकलाइट लगा हुआ है। तो इसी तरीके से, इस तरीके की केस अगर आपके पास आए तो आप इस तरीके से बैकलाइट मॉडिफिकेशन कर सकते हैं और लगा सकते हैं। दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।